लिए अब तक हर पार्टी ने कमर कसते हुए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस की भी अभी तक 4 लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है और आए दिनों बीजेपी की लिस्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार सपा और बसपा ने गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में रणभेरी भरी है और वहीं प्रियंका गांधी भी अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं और कांग्रेस के अंदर एक नई जान फूंकते नजर आ रही हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और ज्यादा सक्रिय होकर चुनावी रैलियां और लोगों के बीच जाकर लोगों से बात करती नजर आ रही है। गठबंधन और कांग्रेस दोनों ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपने एक से एक धुरंधरों को इस बार मैदान में उतारा है और हर जगह हर क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखते हुए सोचा समझा दाव खेला है। इन सभी को देखते हुए भाजपा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसे में भाजपा किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर राफेल मुद्दे के चल रहे विवाद और विपक्ष के उठाए सवालों से इस बार 2014 के लोकसभा चुनावों में वह कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में भाजपा लंबे मंथन के बावजूद प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति में है और आखिर कौन सा उम्मीदवार उन्हें सीट जिताने में मददगार साबित हो सकता है, इस पर अभी तक विचार विमर्श जारी है। हालांकि एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी एक बार सशक्त नजर आने लगी थी, पर आतंकियों के मरने की पुष्टि के जवाब में एक बार फिर मोदी जी ने शब्दों के वार से ही जवाब दिया और कोई सबूत पेश नहीं किया, जिस वजह से इस स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े होते नजर आए। SPN9 न्यूज रूम से रक्षा की रिपोर्ट।